हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी रसोई। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सोया चाप अफगानी की रेसिपी। लेकिन आज हम सोया चाप अफगानी को एक ग्रेवी के साथ बनाने जा रहे हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा लाजवाब बनने वाली रेसिपी है। और अगर आप वही पनीर खा करके आप डेली आप बोर हो चुके हैं, तो फिर आप डेफिनेटली सोया चाप की रेसिपी को एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। मैंने 250 ग्राम सोया चाप लिया था, जिसको मैंने गर्म पानी में हल्का सा गर्म कर लिया था। फिर उसके स्टिक को निकाल करके मैंने इस तरीके से अलग कर लिया था। उसके बाद फिर हम एक सोया चाप को लेंगे और उसके हम 4 से 5 पीसेस में हम इसको ऐसे छोटे छोटे में इसको कट करेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पहले सभी चाप को ऐसे कट करके रख लेंगे। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में तेल लिया था, तेल को अच्छे से गरम कर लिया था। जब तेल हमारा एकदम अच्छे से जब गरम हो जाएगा, उसी में हम सभी सोया चाप को एक साथ पूरा डाल देंगे। और डाल करके गैस के हाई फ्लेम पर हम इसको उलट पलट करके हम 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, उसकी जो ऊपर की एक लेयर होती है, जब तक कि क्रिस्पी नहीं हो जाती, तब तक हम इसको ऐसे उलट पलट करके हम इसको दोनों साइड से ऐसे हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसका कलर एकदम अच्छे से चेंज हो चुका है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल करके अलग रख देंगे। फिर उसी गरम तेल में ही मैंने एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज़ का प्याज का इसको मैंने ऐसे क्यूब्स में मैंने इसको कट कर लिया था। और उसको भी उसी तेल में डाल करके हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जो प्याज और शिमला मिर्च का जो क्रंचीपन होता है, हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे। सिर्फ इसको 10 से 15 सेकंड तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके तुरंत हम इसको निकाल लेंगे। जिस बर्तन में हमने सोया चाप को निकाला था, उसी बर्तन में हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च को भी निकाल करके एक साथ रख लेंगे। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 छोटी कटोरी इसमें फ्रेश दही। उसके बाद फिर उसी में हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने मलाई डाल दिया है। जो दूध की निकली हुई फ्रेश मलाई होती है, हम उसी मलाई का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपके पास मलाई नहीं है, तो आप इसमें बाजार की लाई हुई क्रीम का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर अब इसी में ऐड कर रहे हैं 1/2 छोटा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। ये बहुत ही कम तीखी होती है, लेकिन इससे कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच इसमें गर्म मसाला पाउडर, और इसमें हम नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक एक साइड में रख देंगे इसको हम मैरिनेट होने के लिए। तो इसको ये देखिए, इस तरीके से हमने पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि सभी सोया चाप के ऊपर कोटिंग एकदम अच्छे से हो जाए और प्रॉपर अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। इसको हम एक साइड में रख देंगे। उसके बाद फिर उसी कढ़ाई में मैंने तेल को कम कर दिया था, 1 बड़े चम्मच उसमें तेल डाला। उसमें कुछ गर्म मसाले जैसे लौंग, इलायची, जीरा भी गर्म मसाले को अच्छे से हम इसमें डाल देंगे और चिटकने देंगे। जब सभी गरम मसाले हमारे अच्छे से जब चिटक जाएंगे, उसके बाद फिर उसी में हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 पीसेस में मैंने काजू डाल दिया है। काजू को भी अच्छे से हम इसको भून लेंगे, जब तक कि थोड़ा सा इसका कलर काजू का चेंज नहीं हो जाता। तब तक हम इसको अच्छे से भी मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे। उसके बाद फिर उसी में मैंने 1 बड़े चम्मच इसमें मगज यानी खरबूजे का बीज डाल दिया था। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि हल्का सा ये चिटकने लगे। जब हमारा मगज अच्छे से जब चिटकने लगेगा, भून जाएगा, उसके बाद फिर उसी में हम ऐड कर रहे हैं 1 मीडियम साइज़ का ऐसे रफली कट किया हुआ प्याज। प्याज को भी हल्का सा हम इसको इसमें भून लेंगे, थोड़ा सा हम इसको भी ट्रांसपेरेंट होने देंगे। जब प्याज हमारा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर उसी में हम इसमें डाल रहे हैं 7 से 8 पीस लहसुन और 1 इंच इसमें अदरक डाल करके उसको भी भून लेंगे। और इसी में हम इसमें ऐड कर रहे हैं खूब ढेर सारी इसमें मैंने रफली कट किया हुआ इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे और डाल करके अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। जब सभी चीज़ें प्रॉपर अच्छे से भून जाएगी, उसके बाद फिर हम इसको एक बर्तन में निकाल करके अलग रख देंगे इसको हम ठंडा होने के लिए। जब ये प्रॉपर अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा, तो इसको हम एक फाइन पेस्ट जैसा बना करके हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा प्रॉपर एकदम अच्छे से, जब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर एक मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे और पीस करके एकदम फाइन पेस्ट जैसा हम इसका बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, पेस्ट हमारा बन करके रेडी हो गया है। जब पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा, फिर उसी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें तेल डाल दिया था। जब तेल हमारा बहुत ही हल्का सा जब गर्म होगा, उसी में 1/2 छोटा चम्मच इसमें हल्दी मैंने डाल दिया था।
इसको हल्दी को हम बिल्कुल गर्म तेल में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ना तो हमारा हल्दी एकदम से बहुत जल्दी जल जाएगा। तो बहुत ही कम तेल में हम, बहुत ही कम गर्म तेल में हम इसको डाल करके भून लेंगे। उसके बाद फिर जो हमने प्याज का जो हमने पेस्ट बना करके रखा था वो हम पूरा पेस्ट इसमें हम डाल देंगे। और फिर उसी पेस्ट में हमने उसी मिक्सर जार में थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया था, और पानी डाल करके भी हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि हमने जो अलग से जो एक्स्ट्रा पानी डाला था वो प्रॉपर अच्छे से सूख जाए। तो गैस के फ्लेम को मीडियम करेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से ऐसे चला चला करके हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए प्रॉपर अच्छे से भून चुका है। उसके बाद फिर जो हमने सोया चाप का जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था, हम पूरा सोया चाप इसमें मिक्सर डाल देंगे। और हम जो सोया चाप को इसमें डालेंगे तो अपने गैस के फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम अपने सोया चाप को डाल देंगे। और डाल करके प्रॉपर अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। जब सोया चाप मसालों के साथ प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद फिर हम अपने गैस के फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे हम ढक करके भून लेंगे। इसको हम ढक देंगे और ढक करके बराबर हम इसको 3 से 4 मिनट तक इसको हम ऐसे चला चला करके भूनते रहेंगे। तो ये देखिए प्रॉपर अच्छे से ये भुन गया है और ये देखिए साइड से तेल भी छोड़ना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारे मसालों के साथ सोया चाप प्रॉपर अच्छे से एकदम ये भुन चुका है। जब ये इस स्टेज पर आ जाएगा, जब अच्छे से मसालों के साथ सोया चाप भुन जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें ऊपर से कसूरी मेथी डाल देंगे और डाल करके इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। जब सभी चीज़ें प्रॉपर अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे फिर उसी में हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी डालेंगे और इससे हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसकी ग्रेवी को हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, जैसे रेस्टोरेंट में गाढ़ी से ग्रेवी वाली सब्जी हमें मिलती है उसी तरीके से हम इसकी गाढ़ी से ग्रेवी की हम बना करके तैयार करेंगे। तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था और फिर पानी डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम ढक करके 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हम इसको बॉयल होने देंगे और बीच बीच में हम इसको इस तरीके से चलाते हुए रहेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से, ये देखिए पानी एकदम अच्छे से बॉयल हो रहा है। और फिर हम इसको गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम करने के बाद फिर इसी में ऊपर से मैंने 2 हरी मिर्च को ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में मैंने कट कर लिया था और कुछ इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे और डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको गाढ़ी होने तक अच्छे से हम इसको पका लेंगे। जब प्रॉपर अच्छे से पक जाएगी उसके बाद फिर आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ये हमारी गर्मा गर्म सोया चाप अफगानी ग्रेवी वाली बन करके रेडी हो गई है। ये ग्रेवी अफगानी चाप की रेसिपी की एकदम बिल्कुल यूनिक से एकदम नई रेसिपी है। तो फिर आप बिना देरी किए आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा और आप इसे गर्मा गर्म रोटी पराठे या फिर आप इसे चावल के साथ भी आप इसे सर्व करिए। आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली ये रेसिपी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड थैंक फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको एक पीस चेक भी कराती हूँ कि देखिए जो सोया चाप है उसके अंदर तक कितना अच्छे से ग्रेवी एकदम अंदर तक जा चुकी है और हमारा सोया चाप कितना अच्छे से पक करके एकदम ये सॉफ्ट हो गया है। तो ये हमारी सोया चाप की रेसिपी है, प्लीज़ इसको ट्राई जरूर करिएगा।